हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज देखो हम कंप्यूटर में लेसन 6 रीड करेंगे। तो देखो क्या है लेसन 6 का नेम, क्या है लर्न टू केयर। केयर क्या होता है बेटे? देखभाल। देखभाल हमें देखभाल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखभाल क्या होता है बेटे? जैसे आप अभी ज़िंदगी जी रहे हो, आपको अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए, या फिर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर को आप अभी स्टार्ट करोगे ना वर्क करना, कंप्यूटर की केयर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट रिकॉग्नाइज हाउ टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर। आप ये जानोगे कि हाउ टू टेक केयर, आप अपने आपकी देखभाल कैसे करोगे व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो। आइडेंटिफाई द हेल्थ इशूज इफ़ प्रॉपर पोस्चर आर नॉट यूज व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर। आप उन हेल्थ इशूज के बारे में पढ़ोगे जो इफ़ प्रॉपर पोस्चर, अगर आप सही ढंग से, प्रॉपर पोस्चर क्या था कि जब वर्किंग कर रहे थे कंप्यूटर पे, तो अगर सही ढंग से नहीं बैठते हो, सही ढंग से काम नहीं करते हो, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। आपको कंप्यूटर की और इसके पार्ट्स की कैसे आपको देखभाल करनी है। सॉर्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट फिटिंग पोस्चर व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर। आपको कैसे सेट, मतलब सही तरीके से करेक्ट पोस्चर के साथ आपको बैठना है जब आप कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहे होते हो। सॉर्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट हैंड पोजीशन व्हाइल यूजिंग अ कीबोर्ड। जब आप कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हो तो उस समय आपको हैंड पोजीशन किस टाइप से रखनी है, ठीक है बेटी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिस्कस विद योर पार्टनर एंड देन विद द क्लास द रूल्स यू फॉलो टू मेंटेन गुड हेल्थ, टिक राइट दोज दैट यू फॉलो। डिस्कस विद योर पार्टनर, आप अपने दोस्त के साथ डिस्कस करोगे, एंड देन विद द क्लास, उसके बाद अपनी क्लास के साथ द रूल्स यू फॉलो, जो रूल आप फॉलो करते हो टू मेंटेन गुड हेल्थ, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए जो रूल्स आप फॉलो करते हो उनको आप डिस्कस करोगे। टिक राइट टिक दोज दैट यू फॉलो, यहाँ कुछ रूल्स दिए गए हैं उनमें से आप टिक करोगे जो आप फॉलो करते हो। तो सबसे पहले ये बच्चा आप पिक्चर में देख रहे हो क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है ना, तो ब्रश करना हेल्थ के लिए अच्छी बात है ना, तो आप ये करते हो या नहीं करते हो, यहाँ पे आप टिक करोगे, अगर करते हो तो टिक, नहीं करोगे तो नहीं करते हो तो क्रॉस करोगे। नेक्स्ट में देखो एक्सरसाइज कर रहे हैं, थर्ड में स्लीपिंग कर रहा है बच्चा, उसके बाद वो हैंड वॉश कर रही है, आप हैंड वॉश करते हो ना खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, करते हो तो राइट फील करोगे, अगर नहीं करते हो तो रॉन्ग। ये देखो बच्चा स्नीजिंग कर रहा है, तो अपने फेस को कवर कर रहा है ना, तो नेक्स्ट में क्या है, ये बच्चा खाना खा रहा है, तो आप खाना खाते हो ना, खाते हो तो टिक करोगे, नहीं खाते हो तो रॉन्ग करोगे, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखो क्या है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आप जो ये पिक्चर दी गई है इसको देखोगे। डिस्कस विद योर पार्टनर एंड शेयर द पॉइंट्स विद द क्लास ऑन हाउ फॉलोइंग दीज रूल्स विल हेल्प। तो ये पिक्चर्स जो हैं आप डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने दोस्त के साथ डिस्कस करोगे, एंड शेयर द पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट्स शेयर करोगे विद द क्लास, अपनी क्लास के साथ, ऑन हाउ फॉलोइंग दीज रूल्स विल हेल्प, ये सारे रूल आपको कैसे हेल्पफुल होते हैं, मतलब जो रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं इनमें से कौन कौन से रूल्स अच्छे हैं आपको और हेल्प करते हैं आपकी बॉडी को सही से वर्क करने के लिए। तो जो जो रूल्स आप फॉलो करते हो वो आप अपने पार्टनर के साथ और अपनी क्लास के साथ शेयर करोगे, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्या है, सिट इन द करेक्ट पोस्चर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। ये पर्सन बैठा है ना कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहा है, तो आपको भी ऐसे करेक्ट पोस्चर में सही तरीके से बैठना है वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहे थे। तो ये पर्सन देखो यहाँ पैर रख के बैठा है, और ये चेयर पे बैठा है, और यहाँ आगे इसकी कीबोर्ड है, हेडफोन लगा हुआ है, यहाँ बीच में काफ़ी स्पेस है ना बेटे, तो इसकी आइज़ को भी इतनी, यहाँ स्पेस देखो कितना है, तो आइज़ को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप से अगर वो बैठे, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जब कंप्यूटर पे वर्किंग करनी है तो इस टाइप से ही आपको बैठना है। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड स्टेयरिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन फॉर टू लॉन्ग। देखो ये पर्सन कितने दूर बैठा है ना, और ये देखो कितने राइट से बैठा है और कितने दूर बैठा है, और ये बच्चे इनकी आइज़ का बिल्कुल साथ है ना, तो हमें इस टाइप से ये वर्क नहीं करना, इस टाइप से राइट तरीके से कंप्यूटर पे बैठना है। अवॉइड स्टेयरिंग एट अ कंप्यूटर स्क्रीन फॉर टू लॉन्ग, ये बच्चे एकदम से लंबे समय तक सामने कंप्यूटर को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो क्या है, हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें जो ऊपर मैंने बताया आपको वो करनी है। अ कंप्यूटर मस्ट बी प्लेस्ड इन ए कूल ड्राई एंड डस्ट फ्री प्लेसेस।
कंप्यूटर ये आपको देख रहे हो ना सामने, इसको हमेशा कहाँ पे रखना है, कूल ठंडी जगह पे, ड्राई ड्राई कहते हैं सूखी जगह पे, एंड डस्ट फ्री। डस्ट फ्री क्या होता है, जहाँ पे कोई डस्ट नहीं आती ऐसी जगह पे आपको रखना है। कैप कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज, आपको हमेशा कंप्यूटर को कवर करके रखना है जब आप यूज़ नहीं करते। तो ये ऊपर देखो कवरअप हुआ पड़ा है ना, तो जब आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इसको कवरअप करके ही रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केयरिंग फॉर द मोनिटर, मोनिटर की केयर कैसे करेंगे। वाइप द मोनिटर स्क्रीन यूजिंग अ ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड स्क्रीन क्लीनिंग लिक्विड और ए सॉफ्ट ड्राई कॉटन क्लॉथ। हमने मोनिटर की केयर कैसे करनी है, आपकी मोनिटर की जो स्क्रीन है इसको वाइप द मोनिटर स्क्रीन, इसको आपने साफ करना है यूजिंग अ ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ, यूज़ करके ड्राई सूखा माइक्रो कहता है छोटा सा फाइबर का टुकड़ा क्लॉथ, एंड स्क्रीन क्लीनिंग लिक्विड और सॉफ्ट ड्राई कॉटन क्लॉथ। सूखे ड्राई क्लॉथ के साथ कोई भी लिक्विड हो जैसे कॉलिन वगैरह होता है ना, उससे आपने अपनी उसका जो शीशा होता है उसको साफ करना है। डोंट यूज़ अ वेट क्लॉथ, आप कभी भी गीला कपड़ा उसके लिए यूज़ नहीं करोगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।